मम्मी की रेसिपी में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने पाव भाजी की रेसिपी लेके आई हूँ। बड़ी चटपटी सी रेसिपी है, तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। पाव भाजी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कुकर लिया है, उसमें हमने थोड़ी सी गोभी डाली है, थोड़ी सी गाजर डाली है और 4 आलू डाले हैं और 1 कटोरी मटर डाला है। 2 कटोरी पानी ऐड करेंगे और इन सबको उबालेंगे। कुकर का ढक्कन बंद करके गैस के ऊपर रख के 2 सीटी लगाएंगे। अब हमारी सब्जी उबल चुकी है, अब ढक्कन खोल के दिखाती हूँ। देखो कितनी अच्छी तरह से हमारी सब्जी पक चुकी है। देखिए हमारी सब्जी कितनी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब मैं आपको एक उठा के दिखाती हूँ, देखिए कितनी अच्छे से गल चुकी है और अच्छी तरह से टुकड़े हो रहे हैं। अब हम सब्जी को अच्छी तरह से मैश करेंगे। हम 1 चम्मच लेंगे और सारी सब्जियों को मैश करेंगे। इसी तरह से आपको भी करना है। अब हमारी सब्जी सारी मैश हो चुकी है अच्छी तरह से। अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, उसमें हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने के लिए 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 2 चुटकी हींग डालेंगे, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डालेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच और भी अच्छी तरह से इसे भूनेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट भून चुका है, इसमें 1/2 चम्मच गर्म मसाला डालेंगे और इसमें 1 कटोरी प्याज डालेंगे और इन सबको 1 मिनट तक भूनेंगे। अब इसमें 1 कटोरी शिमला मिर्च ऐड करेंगे। अब शिमला मिर्च को भी अच्छी तरह से भुनेंगे। शिमला मिर्च और प्याज अच्छी तरह से पक चुके हैं, इसमें 1 कटोरी टमाटर डालेंगे और इसके साथ 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। फिर अच्छी तरह से इनको भुनेंगे। 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से इनको भुनना है, जब तक तेल ऊपर ना आ जाए। अब ये भून चुका है अच्छी तरह से, तेल ऊपर आ गया है। अब इसमें सब्जी ऐड करेंगे जो हमने मैच कर रखी थी। अब इन सब्जियों को अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स करना है। जब तक अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए तब तक इसको भूनना है। अगर आपको गाढ़ी चाहिए तब ऐसे ही रहने दीजिए, नहीं तो इसमें थोड़ा पानी ऐड कर लीजिए, थोड़ी पतली हो जाएगी। फिर 2 चम्मच इसमें पाव भाजी का मसाला ऐड करेंगे। इसमें कुछ धनिया की पत्ती डाल के अच्छी तरह से इसे हिला लेंगे। जैसी आपको चाहिए वैसी आप ग्रेवी रख सकते हो, पतली या गाढ़ी। अब हमारी पाव भाजी सब्जी तैयार है। अब इसमें 1 चम्मच हम बटर डालेंगे। अब कुछ धनिया की पत्ती डाल के अब इसे गार्निश करेंगे। अब हमारी सब्जी तैयार है सर्व करने के लिए। अब हम पाव तैयार कर लेते हैं। आपको ये सारे पाव पीस में ही काटने हैं, ऐसे सारे एक एक पीस में काटने हैं। अब हम पाव को सेकने के लिए 1 चम्मच तवे के ऊपर बटर डालेंगे, फिर एक एक करके सारे पाव सेकेंगे। बटर के ऊपर हम थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल के फिर पाव को सेकेंगे। अब आपको चारों पाव को इसी तरह से पलटा लगा लगा के सेकना है अच्छी तरह से, ताकि ये अंदर से कच्चे ना रहे, और मीडियम आँच पे सेकना है, तेज आँच पे ये जल जाएंगे। अब हमारे पाव तैयार है, अब इसको सर्व करेंगे। अब हमारी पाव भाजी तैयार है। देखने में देखो कितनी टेस्टी लग रही है, खाने में उतनी ही टेस्टी है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है।